दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विनय सिंगल है। मेरा HDPE बैग बनाने का बिजनेस है और मैं भिवानी पुलवर मैत्री संघ का कार्यकारी सदस्य हूँ। मैं दिल्ली की काफी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जो धार्मिक और सामाजिक कार्य कर रही हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले हमारे प्रधान राज चेतन जी और पूरी भिवानी पुलवर की मैं टीम को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने संवाद अपनों से कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है और हमारा ज्ञान वर्धन हो रहा है। दोस्तों आज मैं आपसे अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मैं रोड पे निकलता हूँ तो देखता हूँ कि गाय माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कभी रोड पर भूखी घूम रही है, कभी कीचड़ के ढेर में बैठी है, कूड़े पे घूम रही है, अपना पेट भरने के लिए कूड़े में मुंह मार रही है। तो मेरे मन में तो दोस्तों इस बात से बड़ी पीड़ा होती है, जरूर आप लोगों के मन में भी इस बात से पीड़ा होती होगी। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारी गौ माता के अंदर 33 देवी देवताओं का वास होता है। यह हम ये कह सकते हैं कि गौ माता के अंदर चलता फिरता मंदिर का रूप है। तो फिर गौ माता की हालत क्यों हो रही है? गौ माता क्या गौमूत्र जो हमें जन्म से लेकर मरण तक जरूरत पड़ती है, गौ माता का घी और दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तम है। तो फिर गौ माता के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए, इसके उद्धार के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आज हमारा देश मोदी जी के मजबूत हाथों में है, अच्छा नेतृत्व हो रहा है। मोदी जी ने पिछले साल अगस्त में कश्मीर से धारा 370 हटाकर देश को कश्मीर से जोड़ा और इस साल 528 साल के लंबे इंतजार के बाद 5 अगस्त को मोदी जी श्री राम मंदिर का मुहूर्त कर रहे हैं, जो हमारे सब हिंदुओं के लिए बड़े गर्व की बात है। तो अब मुझे अगले साल मोदी जी से विनती करना चाहता हूँ कि अगले अगस्त में गौ हत्या पर प्रतिबंध हो। हम ये मोदी जी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि अगस्त में 2021 के अगस्त में वो इसको मुहिम को पूरी करें। गौर सह के संस्कार हमें अपने माता पिता पुरुषों से मिले हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां इस गौ माता की रक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हमें आने वाली नई पीढ़ी को गौ रक्षा से जोड़ना है और वो संस्कार देने हैं। तो इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। समय समय पर गौशाला जाएं अपने बच्चों के लेकर और उन्हें गौ रक्षा के बारे में समझाएं, गौ माता के महत्व को समझाएं। और दूसरा सुझाव मेरा ये है कि अपने घर पर गुल्लक रखें, जन्मदिन पर, अपनी शादी की वर्षगांठ पे या अन्य त्योहारों पे उसमें कुछ पैसे निकालें। तो इस पैसे को इकट्ठा करके आप अपने आसपास की गौशाला में दे सकते हैं। और मेरा तीसरा सुझाव ये है कि अपने घर पर गाय का ज्यादा से ज्यादा दूध और घी का प्रयोग करें, जिससे आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और गौ पालने वाले को धन की प्राप्ति होगी और वो गौ पालन में आसानी रहेगी उसको। यहाँ पर मुझे अपने कवि मित्र राय चेतन जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। गो माता के दूध की मांग करो भरपूर, गो माता के दूध की मांग करो भरपूर, गो हत्या होगी नहीं डॉक्टर होगा दूर, गो हत्या होगी नहीं डॉक्टर होगा दूर। ये लाइनें यहाँ बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो रही हैं। मेरा चौथा सुझाव ये है कि अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गौ रक्षा दल बनाएं, जो अपने आसपास अपने क्षेत्र में जो भूखी गायें हैं उनके लिए चारे का प्रबंध करें, पानी का प्रबंध करें और जो बीमार और घायल गौएं हैं उनको अपने आसपास की गौशालाओं में भेजने का प्रबंध करें। सर्दियों में धुंध के मौसम में और बारिश के मौसम में जो गाय रोड पे बैठी रहती हैं वो गाय लाइटों में दिखाई नहीं देती, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिससे गाय और वाहन चालक दोनों दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए एक ये बेल्ट होती है जो गाय के गले में बांधने से लाइटों में दूर से चमकती है, तो गाड़ी चलाने वाला वाहन चालक सावधान हो जाता है और इससे बचाव हो जाता है। हम भिवानी परिवार की तरफ से भिवानी के अंदर जो गाय रोड पर बैठी रहती हैं, उनको ये बेल्ट लगाने की हम शुरुआत कर रहे हैं। गाय माता को हम माता क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म देने वाली माता हमें सिर्फ 5 महीने 6 महीने दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता हमें पूरे जिंदगी गाय का दूध और घी मिलता है। हमारे को गाय के घी का महत्व वैज्ञानिक भी मानते हैं। अगर कहीं हवन हो रहा हो
तो उसमें एक तोड़ा यानी 10 ग्राम घी डालने से एक टन ऑक्सीजन पैदा होती है। लेकिन कुछ लालची लोगों ने गाय की नस्ल को खराब कर दिया है, सुअर के साथ मिलाकर ने गाय की नई ब्रीड जर्सी गाय तैयार कर दी है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता कि ये गाय देसी है या जर्सी है, क्योंकि असली भारतीय गाय धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो हम लोग जब सुबह गाय को रोटी देते हैं तो हमें भी पता नहीं होता कि ये गाय देसी है या जर्सी गाय है। तो दोस्तों आज मैं आपको पहचान बताता हूँ कि देसी गाय की क्या पहचान होती है। देसी गाय की कमर के ऊपर एक शिवलिंग सा बना होता है जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। सूर्य नाड़ी ही देसी गाय की असली पहचान है। तो हमें गौ माता का पूरे से पूरा ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमरीका गए तो वहां किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपके यहाँ सबसे अच्छे किस पशु का दूध होता है। तो स्वामी जी ने कहा हमारे सबसे अच्छा भैंस का दूध होता है। तो उस अमरीका ने पूछा स्वामी जी मैंने तो सुना था गाय का होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि आपने माता का दूध नहीं पूछा, आपने पूछा है पशु का। तो हम गाय माता को पशु नहीं मानते, माता मानते हैं, इसलिए मैंने आपको पशु का ही जवाब दिया है। तो दोस्तों गौ माता की जितनी महिमा बताई जाए उतनी कम है। आप हो सकता है कि मेरे से ज्यादा जानते हो। तो आप सब को मेरा प्रणाम।